गुड़िया की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आलू पराठा बनाने जा रहे हैं। किसी ने कमेंट किया था कि आप आलू पराठा की रेसिपी डालने के लिए, वही हम आज अब दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम आलू को अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद हम जो बड़ा आलू है उसको काट लेंगे। जो छोटा आलू बड़ा आलू दोनों डाल रहे हैं, तो बड़ा को काट देंगे ताकि दो सब आराम से गल जाएगा, नहीं तो एक हो जाएगा एक कड़ा रह जाएगा। इसके लिए हम इसको काट रहे हैं। सबको डाल दिए। अब इसमें पानी डालेंगे, पानी इतना डालेंगे, ज़्यादा भी नहीं तो निकल जाएगा कुकर से। डाल दिए हैं पानी, और इसमें 8-9 सीटी लगाएंगे हम। फ्लेम को हल्का कम कर दिए हैं ताकि आराम से सीटी लगेगा, नहीं तो जल्दी जल्दी सीटी हो जाता है, आलू कच्चा रह जाएगा। अब हम लहसुन पत्ता, आजकल जाड़ा का सीजन है, लहसुन पत्ता, धनिया पत्ता और मेथी पत्ता लिए हैं, और हरी मिर्च। अगर मेथी पत्ता नहीं हो आपके पास हो तो कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। मेरे पास था तो हम ये डाल रहे हैं, अब इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब सबको हम छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे। हरी मिर्च को काट लिए। तब तक इधर आलू भी बॉयल हो रहा है, और जितने धनिया पत्ता है, मेथी पत्ता, सबको काट रहे हैं। सबसे पहले मेथी पत्ता को काट रहे हैं छोटा छोटा में। मेथी पत्ता कट चुका, अब धनिया पत्ता हम काट रहे हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट अच्छा आता है। आजकल जाड़ा का सीजन है, वो इस तरह से आलू पराठा बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। लहसुन पत्ता को इसी तरह हम काटेंगे। अगर ये सब चीज़ नहीं हो, गर्मी के सीज़न में तो ये सब चीज़ मिलता नहीं है, तो आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। प्याज भी हम 3-4 प्याज लिए हैं, इसी तरह छोटा छोटा डालेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा इसका रेसिपी आप बनाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। आलू देखिए, आलू बॉयल हो चुका है, बहुत ही अच्छा आलू बॉयल हुआ है। अब सबको हम छन्नी में निकाल दिए हैं, ठंडा पानी डाल दे रहे हैं, ये छूने में ज़्यादा गर्म लगता है। और इसको गर्म ही अब जल्दी से छील दे रहे हैं, नहीं तो अच्छा चोखा नहीं, इसका चोखा जो होता है अच्छा नहीं बनता है। सबको अच्छे से एक एक करके सबको छील दिए, और सबको आलू मैश करने वाला से कर रहे हैं। इस तरह से बहुत ही अच्छा आलू हो जाता है, पूरा बुक आ जाता है, कहीं भी गुलटी नहीं रहेगा। और ठंडा होने पे नहीं करना है, नहीं तो अच्छा से चोखा इसका नहीं बनेगा। आलू का बहुत अच्छा चोखा बन चुका है। अब कढ़ाई में तेल डालेंगे, कढ़ाई गर्म होने पे ही तेल डालेंगे। देखिए तेल गर्म हुआ है तो प्याज डाल दिए, और प्याज के साथ ही हरी मिर्च डाल दिए। सबको मिलाएंगे, नमक भी साथ में डाल दिए हैं। जितना चोखा है आलू का उसी के हिसाब से हम डाल रहे हैं नमक। आलू में नहीं डाले हैं नमक, इसी में हम मिला रहे हैं। हल्दी पाउडर डाल देंगे, इससे कलर अच्छा लगता है देखने में। थोड़ा सा काली मिर्च डाल दिए हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। मसाला और कोई भी नहीं डाले हैं, बस इतना ही डालेंगे। हाँ, थोड़ा सा मिलाने पर तो जो मेथी पत्ता, लहसुन पत्ता, धनिया पत्ता है उसको भी हम साथ ही में डाल देंगे, भूनेंगे। जब तक भूनेंगे इसको, इसका पानी भी अच्छे से निकल जाए, क्योंकि हरा हरा पत्ता है, इसमें थोड़ा पानी भी निकल जाता है। सब सूखने पर ही आलू डालेंगे। देखिए अच्छे से सब सूख गया है, इसका पानी, पत्ता में कोई भी पानी नहीं है थोड़ा भी। सूखने पर अब इसको हम आलू डालेंगे। आलू डालकर अच्छे से इसको मिलाएंगे कि हर जगह ना इसमें आलू में भी नमक मिल जाए, क्योंकि आलू में हम नमक नहीं डाले थे। अच्छे से मिलाएंगे, इसी तरह से मिलाना है। आजकल ठंडा का सीजन है, बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। इस धनिया पत्ता, लहसुन पत्ता, ये सब डालकर इसी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। हो गया चोखा बन चुका, अच्छे से हो गया है, फ्राई हो चुका है चोखा।
अब इसको हम इस इतना अच्छा चोखा लगेगा आपको कि आप किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चावल रोटी पराठा किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। प्लीज़ वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा मेरा वीडियो। और आटा सानने का तो हम बहुत पहले हम डाल चुके थे, इसलिए हम नहीं सान दिखाया है कि कैसे आटा सनाता है। आटा सान लिए हैं, अब बनाकर दिखाते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोई लेंगे और लोई को हम इस तरह से पहले मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम आटा भी हम इसको थोड़ा सा लगा लेंगे क्योंकि हाथ में नहीं सटेगा, इसलिए हम इसको आटा में लगा लेते हैं। और गोली इसको हम अच्छे से कटोरी जैसा बनाएंगे। जो नए हैं, जो जिनको नहीं आता है उसके लिए हम बता रहे हैं कि इसको कैसे कटोरी बनाते हैं। इसी तरह से आलू ले लेंगे और उसको भरेंगे अच्छे से, धीरे धीरे भरेंगे, ज़्यादा भी ज़ोर से नहीं, हल्के हाथ से भरेंगे। भरने के बाद इसको हम पूरा साट देंगे। देखिए कैसे साट रहे हैं, इसी तरह से करके जो एक्स्ट्रा आटा है उसको हम तोड़ देंगे नीचे से। इसको बस फिर से हम इसको साट के फिर इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे हल्के हाथों से मिलाएंगे इसको। देखिए बन चुका है, फिर इसमें हम आटा थोड़ा सा हल्का सा आटा लगा देंगे। आटा लगाने के बाद इसको हल्का हाथ से बेलना है, ज़्यादा जोर से थोड़ा भी नहीं बेलना है, और हर तरफ से बराबर, न मोटा न पतला। इसकी चटनी चटनी के साथ खा सकते हैं, धनिया लहसुन चटनी बहुत ही अच्छा लगता है। सॉस के साथ भी खा सकते हैं, किसी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। एक तरफ हो जाने पर पलट दिए हम, अब इसी में हम इसको तेल डालना है। अब हम सरसों तेल यूज कर रहे हैं, अब घी या रिफाइंड हम लोग यूज नहीं करते हैं, रिफाइंड खाना भी नहीं चाहिए, इसलिए हम सरसों तेल यूज करते हैं। और घी में किसी सबको अच्छा नहीं लगता है, सरसों तेल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अच्छे से मिलाना है, इस छलनी से अच्छे से हम मिला हर जगह से मिला दे रहे हैं, पूरा बराबर से मिला दिए। और वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक